और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर का इस्तीफा हुआ है। राहुल गांधी और अशोक गहलोत को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। दूदू से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बाबूलाल नागर। दुष्कर्म के मामले के चलते पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस का खेल नागर बिगाड़ सकते हैं। तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हालांकि बाबूलाल नागर का इस्तीफा हो चुका है, पूर्व मंत्री रहे बाबूलाल नागर, लेकिन दुष्कर्म के आरोपों के चलते इस बार टिकट नहीं मिला है। और चलिए संवाददाता दिनेश डांगे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, टिकट नहीं दिया गया बाबूलाल नागर को, क्या अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? इस्तीफा तो इन्होंने दे दिया। श्वेता, पिछली बार देखिए बाबूलाल नागर रेप के मामले में जेल में बंद थे, उसके भाई हजारीलाल नागर को टिकट दिया गया था, वो चुनाव हार गए थे और काफी गलत मैसेज गया था। लेकिन पार्टी ने जो आलाकमान के निर्देश थे कि साफ स्वच्छ और अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए, दिल्ली के गलियारों में कल तक बाबूलाल नागर आला नेताओं के आगे ढोलक लगा रहे थे और उनसे यही दुआई दे रहे थे कि मुझे कोर्ट ने बरी कर दिया रेप के मामले में। लेकिन ऊपरी अदालत ने उनके खिलाफ अपील दायर कर रखी है। बीच स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नागर को पांडे और शैलजा ने बुलाया था, अपने दस्तावेज भी वो साथ लेकर गए थे कोर्ट के, लेकिन आखिरकार पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया, उनकी जगह नए चेहरे को मैदान में दूदू से उतार दिया है। तो ऐसे में अब संभावना है कि बाबूलाल नागर हनुमान बेनीवाल की पार्टी के निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं। काफी मजबूत और जनाधार वाले नेता है नागर। गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे थे, लेकिन रेप के मामले के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं तो कांग्रेस का सारा खेल वहां भी गन सकता है। बिल्कुल दिनेश, लेकिन क्या किसी तरह का कोई आश्वासन टिकट को लेकर पहले मिला था बाबूलाल नागर को? क्योंकि लगातार जिस तरह से आरोपों के घेरे में रहे जब वो मंत्री थे तब भी, तो ऐसे में क्या इन्हें कोई आश्वस्त किया गया था किसी दिग्गज नेता ने, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो? जी देखिए, वो अशोक गहलोत खेमे से आते हैं, लेकिन आला कमान का मामला था साफ स्वच्छ और सभी के नेता को टिकट देना, तो गहलोत भी मजबूती से उनकी पैरवी कर नहीं पाए और सचिन पायलट तो बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं थे। तो बाद में उन्हें निर्देश दिया कि आप पायलट को कन्विंस करें, लेकिन आला कमान का जब कोई निर्णय होता है तो उसमें कोई भी कांग्रेस नेता किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करता। बीच में आया कि उनके बेटे को टिकट ऑफर किया गया, लेकिन बेटे का इतना जनाधार नहीं था, बताया जा रहा है। नागर ने साफ मना किया कि बेटे की जगह मुझे ही टिकट दिया जाए और कल वो दिल्ली में लास्ट ये कह के आए कि मैं कैसे भी विधानसभा पहुंचकर दिखाऊंगा। तो साफ है कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन दिनेश, क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी में शामिल होंगे ये, और किस तरह से ये गणित बिगाड़ सकते हैं, कांग्रेस को किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे अब ये? देखिए, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से चुनाव लड़ने के पीछे राजनीति यह है कि वहाँ काफी तादाद में जाट वोट बैंक है और हनुमान बेनीवाल जाट राजनीति और किसान वर्ग की राजनीति के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनके सिंबल से वो चुनाव लड़ते हैं तो जाट वोट बैंक उनके पाले में आ सकते हैं। तो अभी वो अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से फैसला करेंगे कि निर्दलीय लड़ना हनुमान बेनीवाल की पार्टी से लड़ना है या किसी अन्य दल से लड़ना है। लेकिन वो निर्दलीय मैदान में कह सकते हैं उतरने जा रहे हैं और एक कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। तो नया चेहरा उन्होंने बेरवा को उतारा है, कहीं वो तीसरे नंबर पर या फिर मुकाबले में नहीं रहे, इस तरह की स्थिति पैदा कर सकते हैं। क्योंकि नागर का बहुत जनाधार है, एक अच्छी पकड़ है, 5 मिनट में वो हजारों की भीड़ करने की क्षमता रखते हैं, इतने बड़े नेता है। लेकिन एक बड़ा विकेट कह सकते हैं कांग्रेस का गिर गया है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, बड़ा विकेट कांग्रेस का गिरा है, कांग्रेस को नुकसान होगा। और अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तीसरे चौथे नंबर में भी पहुंच सकती है पार्टी, तो ऐसे में अफसोस यहाँ पर उस वक्त होगा अगर ऐसा ही परिणाम आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए।